संयोजित ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। हमारे दैनिक जीवन में अनेक संयोजित ठोस दिखाई देते हैं, जैसे एक कैप्सूल जो एक बेलन और दो अर्धगोलों का संयोजन है। ये अर्धगोले बेलन के छोरों में लगे होते हैं। इसी प्रकार खिलौना जिसका आधार अर्धगोला तथा उसके ऊपर शंकु होता है। इसलिए संयोजित ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की गणना की आवश्यकता होती है। आइए आकृति 35 में दिखाए गए पात्र कंटेनर पर विचार कीजिए। हमें इस पात्र को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, परंतु पात्र ऐसी आकृति का नहीं है जिसके लिए हमने यह गणना कर ली है। यदि कोई ठोस आकृति 36 में दिखाए आकार का हो तो फिर हम क्या करें? ऐसी स्थितियों में हम आकृति को ऐसे छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं जिनका आयतन व क्षेत्रफल आदि निकाल सकते हैं और समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यह कैप्सूल एक ठोस बेलन के छोरों पर अर्धगोलों को जोड़कर बनाया गया है। यदि हम पात्र को काटते हैं तो यह आकृति 36 व 37 के अनुसार दिखेगी। अतः पात्र को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चादर का क्षेत्रफल बराबर पहले अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल धन बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल धन दूसरे अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। पात्र का आयतन बराबर पहले अर्धगोले का आयतन धन बेलन का आयतन धन दूसरे अर्धगोले का आयतन।